Good morning, students. This is Anil K. Sharma and welcome you to my channel Oracle Tech India. और मेरा जो ये वीडियो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस का फोर्थ एंड लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेटाबेस सिस्टम का एनवायरनमेंट क्या होता है, यानी कि जब आप एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस डेवलपर, डेटाबेस प्रोग्रामर बन करके जब एक कंपनी में जाएंगे और वहाँ पे काम करेंगे तो आपके अपने डिपार्टमेंट में जो है डेटाबेस के रिगार्डिंग कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं। अफकोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर वहाँ पे यूज़ हो रहा होगा, तो वो प्लस में कौन कौन से जो है यूज़र्स पीपल वहाँ पे मिलेंगे जो आपके ही फील्ड के होंगे, और कुछ इंफॉर्मेशन जो है डेटा के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में दूंगा। तो बेसिकली मेरे वीडियोस जो है उन लोगों के लिए पोस्टेड की जा रही है जो अपना करियर डेटाबेस पे बनाना चाहते हैं, मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, डेटाबेस डेवलपर बनना चाहते हैं या फिर डेटाबेस प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं। तो ये वीडियोस सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए है। तो मेरे वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं बीच बीच में जो भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, और वीडियो को आप देखते रहिए ताकि आप डेटाबेस से हमेशा अपडेट रहेंगे और इस तरीके से आप अपने करियर को बहुत अच्छे से डेटाबेस के फील्ड में बना सकेंगे। तो आइए देखते हैं कि डेटाबेस सिस्टम का एनवायरनमेंट क्या होता है। तो डेटाबेस सिस्टम एनवायरनमेंट से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो वैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में मेरे शुरू के कुछ वीडियोस है, हाउ टू बिकम ओरेकल DBA जो वीडियोस है उसके तीन पार्ट में वीडियो अवेलेबल है। तो हाउ टू बिकम ओरेकल DBA का जो फर्स्ट पार्ट है, उस फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया है कि डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और ओरेकल का डेटाबेस क्या है। तो बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये टॉपिक जो है आप मेरे ओरेकल हाउ टू बिकम ओरेकल DBA का जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप जाकर के देखिए, और यहाँ पर मैं बस थोड़ा सा बताऊँगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और उसके बाद फिर हम समझेंगे कि डेटाबेस सिस्टम का एनवायरनमेंट कैसा होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर जैसे कि MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर है। तो MS ऑफिस के बारे में तो सभी जानते होंगे। तो MS ऑफिस के अंदर जो है MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, MS पावर पॉइंट होता है। तो जब हम MS वर्ड को खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, फंक्शन जैसे कि बोल्ड, इटैलिक या कलर चूज करने का। तो जब भी हम कोई टेक्स्ट राइट करते हैं तो उस टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना है तो बोल्ड वाले फंक्शन पे क्लिक करेंगे, उस टेक्स्ट को हमें इटैलिक करना है तो इटैलिक वाले फंक्शन पे क्लिक करेंगे, उस टेक्स्ट में अगर कोई कलर अप्लाई करना है तो कलर वाले को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से क्या है कि सॉफ्टवेयर के अंदर ये जितने भी फंक्शन होते हैं हर फंक्शन के लिए प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। तो अगर एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे जाएंगे। तो इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर को हम क्या कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से डेटाबेस के फील्ड में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर होता है, और उस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फंक्शन होते हैं और उस फंक्शन की हेल्प से हम डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को मॉडिफाई करते हैं, डेटा या इंफॉर्मेशन को डेटाबेस के सर्वर से रिट्रीव करते हैं। तो ओरेकल का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी कि ओरेकल कॉरपोरेशन ने जो है सबसे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, और डेवलप करने के बाद उसका नाम रखा था ओरेकल का सॉफ्टवेयर। तो आगे के लेक्चर में जो है हमारा जो फोकस पॉइंट होगा वो ओरेकल के सॉफ्टवेयर पर ही होगा। तो अब आगे देखते हैं कि इट इज़ यूज्ड टू मैनेज द डेटाबेस। तो DBMS का ये सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं पूरे डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, मतलब ओरेकल के सर्वर पे डेटा
को स्टोर करना, मतलब जो डेटा काम के नहीं है उस डेटा को निकालना, नए डेटा को उसमें डालना, डेटा का बैकअप लेकर के रखना, कोई डेटा क्रैश हो गया है तो उसकी रिकवरी वगैरह करना, ये सारा काम जब हम करते हैं तो इसी को कहते हैं डेटाबेस को मैनेज करना। तो अब आगे देखते हैं कि DBMS का जो ये सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है कि एक्सेप्ट रिक्वेस्ट फॉर डेटा, ये क्या करता है डेटा के लिए रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसी के अकॉर्डिंग डेटा को सेंड करता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि एक कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले जितने भी एंड यूजर्स होते हैं अपने काम के रिगार्डिंग उनको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो अपना PC ऑन करते हैं या लैपटॉप ऑन करते हैं और उस लैपटॉप में डेटाबेस का एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है। उस डेटाबेस के एप्लीकेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन है उससे रिगार्डिंग ID डालते हैं, उसकी डिटेल डालते हैं और क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में DBMS के सॉफ्टवेयर के पास जाता है और DBMS का जो वो सॉफ्टवेयर है उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद ओरेकल सर्वर से उस इंफॉर्मेशन को उस एंड यूजर के पास भेज देता है। तो DBMS का ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, ये डेटा के लिए रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम से और उसके बाद इस DBMS के सॉफ्टवेयर के साथ जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम जुड़ा हुआ है उसको ये DBMS का सॉफ्टवेयर क्या करता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करता है और इंस्ट्रक्ट करने के बाद जो एंड यूजर्स को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसका अप्रोप्रिएट डेटा उसको ट्रांसफर हो जाती है। तो यही है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आगे देखते हैं कि डेटाबेस सिस्टम का एनवायरनमेंट। तो आज के इस लेक्चर में हमारा जो है डेटाबेस सिस्टम का एनवायरनमेंट यही हमारा टॉपिक है। तो डेटाबेस सिस्टम एनवायरनमेंट क्या है देखते हैं। तो इट इज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स। तो डेटाबेस सिस्टम एनवायरनमेंट में क्या होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, जैसे हार्डवेयर के रिगार्डिंग कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कंपोनेंट्स। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो है मिल करके क्या करते हैं, डेटा को डिफाइन करते हैं, कलेक्शन डेटा के कलेक्शन को रेगुलेट करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को मैनेज करते हैं। तो डेटाबेस सिस्टम के एनवायरनमेंट में बहुत सारे कंपोनेंट्स जुड़े हुए होते हैं, वो सारे कंपोनेंट्स जुड़ करके डेटा को कलेक्ट स्टोर मैनेज करते हैं। अब हम डेटाबेस सिस्टम एनवायरनमेंट है, हम डेटा को कलेक्ट क्यों कर रहे हैं, उसको स्टोर क्यों कर रहे हैं, उसका मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं, उसका क्या पर्पस है। तो उसका पर्पस है टू हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। किस तरह की हेल्प, कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई मिशन परफॉर्म करना चाहता है, मतलब कोई भी प्रोडक्शन का काम कर रहा है, कोई भी सेल्स का काम कर रहा है, तो वो काम क्या है उसका एक मिशन है तो उसको परफॉर्म करना है, तो उसके लिए बीच बीच में जो भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी तो वो इंफॉर्मेशन अपने एप्लीकेशन से फेच करता रहेगा। तो इस तरीके से अगर डेटाबेस के सर्वर पर हम डेटाबेस को कलेक्ट ही नहीं करेंगे, स्टोर ही नहीं करेंगे, उसका मैनेज ही नहीं करेंगे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना मिशन परफॉर्म करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं पाएगी उसको, ठीक है। और इस तरीके से वो अपने गोल को यानी कि अपनी कंपनी के लिए जो भी प्रॉफिट उसने डिसाइड किया हुआ है उस प्रॉफिट को, उस गोल को वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से पर्पस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करना ताकि वो अपना मिशन परफॉर्म कर सके और अपने गोल को अचीव कर सके। तो अब देखते हैं कि डेटाबेस सिस्टम के एनवायरनमेंट में कौन कौन से जो है कंपोनेंट्स होते हैं। तो डेटाबेस सिस्टम के एनवायरनमेंट में आप जब DBA डेवलपर या डेटाबेस प्रोग्रामर बन करके जाएंगे तो आपके डिपार्टमेंट में हार्डवेयर कंपोनेंट्स होंगे सारे, सॉफ्टवेयर के सारे कंपोनेंट्स होंगे और वहाँ पे आपके ही जैसे और भी बहुत सारे जो है पीपल होंगे। तो वो कौन कौन से पीपल होंगे वो अगले स्लाइड में हम देखेंगे। उसके बाद जो है प्रोसीजर होता है वो देखेंगे कि प्रोसीजर क्या है, और उसके बाद डेटा देखेंगे कि डेटा के बारे में थोड़ा बहुत और जानेंगे। तो हार्डवेयर, हार्डवेयर डेटाबेस सिस्टम के एनवायरनमेंट में हार्डवेयर जो है वो पहला कंपोनेंट है। तो आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे या फिर होंगे
तो आप लोगों को कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी। तो यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बहुत डिटेल्स में ना जा करके थोड़ा सा ऊपर ऊपर से इसको समझते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हार्डवेयर क्या है डेटाबेस के एनवायरनमेंट में? तो हार्डवेयर आइडेंटिफाइज ऑल द सिस्टम्स फिजिकल डिवाइसेस, यानी कि डेटाबेस सिस्टम के एनवायरनमेंट में डेटाबेस को चलाने के लिए जो है जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस है वो सारा कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस उसको बोलते हैं। तो जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, माउस हो गया, बहुत सारे जो है वायर्स वगैरह जो है वो होते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं, तो ये सारा हार्डवेयर है। तो कंप्यूटर इज द मेन। तो डेटाबेस एनवायरनमेंट में कंप्यूटर क्या है? एक मेन हार्डवेयर कंपोनेंट है और मोस्ट इजीली आइडेंटिफाइड हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम एनवायरनमेंट। तो डेटाबेस सिस्टम के एनवायरनमेंट में कंप्यूटर क्या है? एक मोस्ट इजीली आइडेंटिफाइड हार्डवेयर कंपोनेंट है। बस इसको इतना ही समझना है। अब आगे देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड बाय कंप्यूटर्स विद इन द डेटाबेस सिस्टम। तो जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि हम सॉफ्टवेयर को कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उस फंक्शंस को यूज़ करके हम डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। तो अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं और बहुत सारे फंक्शन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, इसलिए उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर को हम क्या कह सकते हैं? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स कह सकते हैं। और इसका यूज़ कंप्यूटर करता है डेटाबेस सिस्टम के एनवायरनमेंट में, यानी कि डेटाबेस सिस्टम के एनवायरनमेंट में डेटा की मैनेजमेंट के लिए कंप्यूटर क्या करता है? सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है जो एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, और फिर डेटा की मैनेजमेंट करता है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है आप लोग भी जानते ही होंगे कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड इन डेटाबेस एनवायरनमेंट। डेटाबेस एनवायरनमेंट में तीन तरह के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। पहला जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर, दूसरा जो है DBMS का सॉफ्टवेयर, और तीसरा जो है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड यूटिलिटी। तो अब एक एक करके देखते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये क्या है, ये हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर है। मतलब जब हम एक नया पीसी तैयार करते हैं तो उस पीसी के अंदर जो है उसकी पीसी के अंदर कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी बिजनेस वाला सॉफ्टवेयर चलाने के लिए हमें एक हार्डवेयर वाला जो है सॉफ्टवेयर चलाना पड़ता है, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि डॉस, जब आप पहली बार कंप्यूटर आपने सीखना शुरू किया होगा तो सबसे पहले डॉस के बारे में ही बताया जाता है। डॉस में कौन कौन से कमांड्स होते हैं वो सारे सिखाए जाते हैं। तो ये डॉस क्या है? डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद विंडोज़, विंडो ऑब्वियसली आप सब लोग विंडो के बारे में जानते ही है, क्योंकि बिना विंडो के तो कोई सिस्टम चलाता नहीं है। तो विंडो, विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद जो है लाइनेक्स, लाइनेक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स, यूनिक्स और लाइनेक्स एक ही होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडो का काम क्या होता है? विंडो जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके ऊपर हम दुनिया भर का जो है अपने यूज़ वाले सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर विंडो इंस्टॉल है, यानी कि विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर वो इंस्टॉल है तो उसके ऊपर फिर हम अपने यूज़ वाले सॉफ्टवेयर जैसे MS Office को चला सकते हैं, उसके बाद टाइपिंग ट्यूटर चला सकते हैं, उस पर कोई प्रोग्राम जो कोई गेम के रिगार्डिंग कोई सॉफ्टवेयर है उसको रन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस को जो है एक्टिवेट करने के लिए, चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसको ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद ही हम कोई भी बिजनेस का सॉफ्टवेयर या अपने यूज़ वाले सॉफ्टवेयर को उसके ऊपर चलाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तभी उस सॉफ्टवेयर को जो है रन करने में उसकी हेल्प करता है।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर यही है, और डेटाबेस के एनवायरनमेंट में जो है सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ होता है वो होता है विंडो, और विंडो से भी ज़्यादा जो है DBA के प्लेटफॉर्म पे, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्लेटफॉर्म पे बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़ करते हैं, क्योंकि लाइनेक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो है ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखते हैं, तो इससे डेटा का करप्शन, डेटा करप्ट होने के चांसेस या उसमें वायरस लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर। उसके बाद दूसरा जो सॉफ्टवेयर है वो है DBMS का सॉफ्टवेयर। तो ऑब्वियसली आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ाई कर रहे हो, DBA बनना चाहते हो, डेवलपर बनना चाहते हो, डेटाबेस प्रोग्रामर बनना चाहते हो, तो ये सारा काम जो है होता है डेटाबेस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर पे। तो यहाँ पर जो है हमारा टारगेट सॉफ्टवेयर है वो है ओरेकल का सॉफ्टवेयर। तो DBMS सॉफ्टवेयर और कौन कौन से होते हैं, पहली बात तो DBMS का जो सॉफ्टवेयर उसका यूज़ क्यों करते हैं, तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, तो मैंने पिछले स्लाइड में इसके बारे में बताया है। तो डेटाबेस सिस्टम के एनवायरनमेंट में डेटाबेस को मैनेज करने के लिए DBMS का जो है सॉफ्टवेयर वो यूज़ करते हैं। और DBMS के सॉफ्टवेयर्स होते कौन कौन से हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का सॉफ्टवेयर होता है जो DBMS का ही सॉफ्टवेयर है, SQL सर्वर का सॉफ्टवेयर है वो भी DBMS का सॉफ्टवेयर है, और ओरेकल कॉरपोरेशन डेटाबेस सॉफ्टवेयर है वो भी जो है DBMS का ही सॉफ्टवेयर है। तो ओरेकल कॉरपोरेशन डेटाबेस सॉफ्टवेयर का यहाँ पर मतलब है ओरेकल डेटाबेस का सॉफ्टवेयर, जो हम आगे के सारे लेक्चर्स में जो है ओरेकल का ही सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। तो ये था DBMS सॉफ्टवेयर के बारे में। थर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो है एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड यूटिलिटीज़। तो डेटाबेस सिस्टम के एनवायरनमेंट में एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूटिलिटी क्या होते हैं वो देखते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होता है वो होता है कि एक कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट में एक सीनियर ऑफिसर होता है, उसको एंड यूज़र्स बोलते हैं। तो वो एंड यूज़र्स अपने डेली रूटीन वाले टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसको बीच बीच में इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ से लाएगा, तो उसके लिए उसके PC या लैपटॉप पे जो है एक डेटाबेस से संबंधित एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है, उसी सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। और उस एप्लीकेशन प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का वो एंड यूज़र यूज़ करता है इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए। तो इस तरीके के जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है हर एक डिपार्टमेंट में इंस्टॉल किए जाते हैं, और फिर वो एंड यूज़र्स जितने भी है इस एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज़ करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंफॉर्मेशन को फेच करते हैं, और फेच करके फिर जो है उसमें इंसर्ट भी करते हैं, डिलीट भी करते हैं और अपडेट भी करते हैं। तो उसको जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। और यूटिलिटीज़ क्या होता है, जैसे SQL का जो प्रॉम्प्ट होता है वो डेटाबेस को फेच करने के लिए, इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड चलाने के लिए SQL प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं। तो SQL प्रॉम्प्ट की ही तरह और भी बहुत सारे डेटाबेस के रिगार्डिंग जो है प्रॉम्प्ट होते हैं डेटाबेस को फेच करने के लिए, तो इसी को यूटिलिटीज़ कहते हैं। तो अब देखते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूटिलिटी क्या है। तो इट इज़ यूज टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट द डेटा इन DBMS। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज़ करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सर्वर से डेटा को फेच करने के लिए, उस डेटा पर इंसर्ट अपडेट डिलीट यानी कि मैनिपुलेशन टास्क करने के लिए, एंड टू मैनेज कंप्यूटर एनवायरनमेंट इन विच डेटा एक्सेस एंड मैनिपुलेशन टेक्स प्लेस। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर एनवायरनमेंट में जो है डेटा को एक्सेस करने के लिए, उसके बाद उस डेटा को इंसर्ट अपडेट और डिलीट करने के लिए, मतलब मैनिपुलेशन टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर मोस्ट कॉमनली यूज टू एक्सेस डेटा फाउंड विद इन द डेटाबेस। तो डेटाबेस के सर्वर पे जो डेटा स्टोर होता है उस डेटा को एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का यूज़ करते हैं।
और ऐसे डेटा को सर्वर से फेच करके एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू जो है एंड यूजर्स क्या करता है, रिपोर्ट्स तैयार करता है, हर रोज रिपोर्ट्स तैयार करता है, टेब्यूलेशन बनाता है, ये भी एक तरीके से रिपोर्ट टाइप में है, और अदर इंफॉर्मेशन को फेच करके डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा को, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ तक ये था एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड यूटिलिटी। अब जो है थर्ड कंपोनेंट जो है डेटाबेस सिस्टम एनवायरनमेंट का, वो है पीपल। जब आप DBA बन जाएंगे और DBA बनकर या फिर ओरेकल डेवलपर बनकर या फिर डेटाबेस प्रोग्रामिंग करके जब आप काम करने जाएंगे, तो आपके डिपार्टमेंट में आपके ही जैसे और कौन कौन से जो है डेटाबेस यूजर्स होंगे, कौन कौन से जो है पीपल होंगे, तो उसके बारे में जानेंगे। तो जब आप काम करने जाएंगे डेटाबेस के एनवायरनमेंट में, तो वहां पर आपको मिलेगा एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। दूसरा जो पर्सन है वो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो मेरे थ्रू आउट सारे लेक्चर्स में जो है वीडियोस जो होंगे वो सारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के रिगार्डिंग ही वीडियोस जो है होंगे। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मिलेगा, ऑब्वियसली आप इसी को सीख करके आप उस एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मिलेगा, डेटाबेस डिजाइनर मिलेगा, सिस्टम एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर्स मिलेगा, और लास्ट में एक एंड यूजर्स होते हैं बहुत सारे, वो एंड यूजर्स मिलेंगे। तो अब एक एक करके समझते हैं कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, डेटाबेस डिजाइनर क्या है, सिस्टम एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर्स क्या टास्क परफॉर्म करता है, और एंड यूजर्स का वहाँ पर क्या काम होता है। तो सबसे पहले देखते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है कि डेटाबेस के एनवायरनमेंट में ओरेकल का जो सॉफ्टवेयर है, ओरेकल के सॉफ्टवेयर पे तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करता है। तो ओरेकल के सॉफ्टवेयर को छोड़ करके बाकी उस एनवायरनमेंट में, उस डेटाबेस के एनवायरनमेंट में ओरेकल के सॉफ्टवेयर को छोड़ करके बाकी जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, उन सब की जिम्मेदारी जो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की होती है। ठीक है, तो जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह कहीं पे कंपैटिबल नहीं बैठ रहा है, तो वो सब चीज़ें जो है क्यों नहीं बैठ रहा है, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है DBA को असिस्ट करता है। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वही होता है, यानी कि हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग जितने भी टास्क को परफॉर्म करता है, नेटवर्किंग के रिगार्डिंग जितने भी टास्क को परफॉर्म करता है, वो सारा काम जो होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को असिस्ट करता है उसके सॉफ्टवेयर को रन करने में, उसके सॉफ्टवेयर को प्रॉपर ढंग से चलने में। तो देखते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल जनरल ऑपरेशंस इन डेटाबेस सिस्टम, यानी कि डेटाबेस सिस्टम के अंदर डेटाबेस को चलाने के लिए जो डेटाबेस से अलग जितने भी जनरल फंक्शंस होते हैं, हार्डवेयर वाले, नेटवर्किंग वाले, वो सारे काम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करता है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपकीप, कॉन्फिग्रेशन एंड रिलायबल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम जितने भी है, नेटवर्किंग सिस्टम जितने भी है, वो सही से चले, उन सब का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, उन सबको अपकीप करके कैसे रखना है, इन सब चीज़ के लिए जिम्मेदार जो होता है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ही कीप्स लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट्स ETC, यानी कि वो लोकल एरिया नेटवर्क जो नेटवर्किंग से संबंधित है, वाइड एरिया नेटवर्क और इंट्रानेट्स, इन सब को कॉन्फ़िगर करता है, इन सब को इंस्टॉल करता है, और इन सब को डेटाबेस के साथ जो है जोड़ने में उसकी जो है एक प्रॉपर वो रोल प्ले करता है। ही कॉपरेट्स इन इम्प्लीमेंटिंग DBMS सॉफ्टवेयर, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मिल करके DBA का जो सॉफ्टवेयर है, ओरेकल का जो सॉफ्टवेयर है, उसको इम्प्लीमेंट करने में वो कॉपरेट करता है। तो डेटाबेस के एनवायरनमेंट में दूसरा जो पर्सन होता है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और डेटाबेस के एनवायरनमेंट में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, तो मैंने जो है हाउ टू बिकम ओरेकल DBA के 3 वीडियोस मैंने बनाए हैं,
how to become Oracle DBA part 1, how to become Oracle DBA part 2, how to become Oracle DBA part 3. तो how to become Oracle DBA part 2 में types of DBA कौन कौन से होते हैं वो सारा मैंने explain किया है. तो इसको जो है आप मेरे उस वीडियो को देख करके इसको अच्छे से समझ सकते हैं. और मेरे आगे जितने भी लेक्चर्स होंगे तो वो सारे लेक्चर्स भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के ही रिगार्डिंग होंगे. तो मेरा जो ये चैनल है बेसिकली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना करियर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में बनाना चाहते हैं. तो थ्रू आउट लेक्चर में पूरा जो डिस्कशन रहेगा वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में ही रहेगा. तो यहाँ पे बस थोड़ा सा देखते हैं कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है. तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को हम DBA भी कहते हैं. और DBA का काम क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर का यूज़ करके डेटा को मैनेज करना. तो DBA क्या करता है, ये भी एंश्योर करता है कि डेटाबेस सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसको ये एंश्योर करता है. मतलब ओरेकल का जो सर्वर है, ओरेकल डेटाबेस का जो सर्वर है, वो कभी डाउन नहीं होना चाहिए, वो हमेशा अप करते रहना चाहिए, वो हमेशा चलते रहना चाहिए. अगर ओरेकल का सर्वर डाउन हो गया तो पूरे कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी एंड यूजर्स अपने अपने डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, उनका जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा, वो कोई भी इंफॉर्मेशन फेच ही नहीं कर पाएंगे. तो सारा काम जो है कंपनी का बंद हो जाएगा उस टाइम पे. तो इसलिए जो है DBA का सबसे बड़ा काम यही होता है कि डेटाबेस के सर्वर को हमेशा रन करके रखना है. तो जो थर्ड पर्सन होता है डेटाबेस के एनवायरमेंट में वो होता है डेटाबेस डिजाइनर. तो इसके बारे में भी हाउ टू बिकम ओरेकल DBA पार्ट 2 में मैंने बताया है, डेटाबेस डिजाइनर और डेटाबेस आर्किटेक्ट इंजीनियर. तो आप वहां जाकर के इसको देख लीजिएगा. तो डेटाबेस डिजाइनर क्या होता है, उसका काम क्या होता है कि वो डेटाबेस के अंदर डेटा को आइडेंटिफाई करता है. और डेटा को आइडेंटिफाई करके अगर हमें कोई दूसरा डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार करना है तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार करता है और वो काम करता है डेटाबेस आर्किटेक्ट के अंदर. तो डेटाबेस आर्किटेक्ट इंजीनियर जो होता है वो उसका सीनियर होता है. तो डेटाबेस डिजाइनर और डेटाबेस आर्किटेक्ट ये दोनों मिलकर के जो है डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो बना करके जो है प्रेजेंट करता है. और फिर डेटाबेस डेवलपर या डेटाबेस प्रोग्रामर जो है उस जो है डेटाबेस के स्ट्रक्चर को लेकर के फिर एप्लीकेशन बनाता है, सॉफ्टवेयर तैयार करता है. जो नेक्स्ट पर्सन है उसको बोलते हैं सिस्टम एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर्स. तो जनरली मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है. तो सिस्टम एनालिस्ट एक कंपनी के अंदर वो होता है कि कंपनी को अगर जो है डेटाबेस के रिगार्डिंग किसी नए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है तो नया सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए, मतलब क्या चाहिए नए सॉफ्टवेयर में, किस चीज़ के ऊपर नया सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उस नए सॉफ्टवेयर के अंदर जो है कौन कौन से फील्ड्स वगैरह होने चाहिए, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम कैसा होना चाहिए, कहाँ पर इंस्टॉल्ड होगा, कैसे कंपनी उस पर काम करेगी, उन सब चीज़ों का जो है वो क्या करता है, उसको उसका उसके ऊपर स्टडी करता है, उसके ऊपर एनालिसिस करता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस वगैरह क्या है जो है लोगों की, वो सब स्टडी करके पूरा का पूरा एक स्पेसिफिकेशन तैयार करता है. स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि वो जो है सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनने से पहले उसका एक थियोरेटिकल आउटलाइन तैयार कर दिया जाता है. और वो थियोरेटिकल आउटलाइन को तैयार करके फिर वो डेवलपर के पास उसको डेवलपर के हाथ उसको सौंपा जाता है. और वो फिर डेवलपर या प्रोग्रामर्स क्या करता है, उसको कोडिंग के थ्रू उसको डिजाइन करता है, डेवलप करता है और इस तरीके से पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है. तो इसमें देखते हैं कि क्या लिखा है. तो सिस्टम एनालिस्ट डिटरमिन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंड यूजर्स. कंपनी में काम करने वाले एंड यूजर्स जो होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में,
जो अलग अलग सीनियर ऑफिसर होते हैं उसको एंड यूजर्स होते हैं, तो उस एंड यूजर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, वो कैसे चाहता है कि मेरे एप्लीकेशन पे डेटा आए या मुझे कौन कौन से डेटा चाहिए, तो उस रिक्वायरमेंट को सिस्टम एनालिस्ट पहले समझता है कि एंड यूजर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके बाद उसके रिक्वायरमेंट को समझने के बाद डेवलप करता है स्पेसिफिकेशन को फॉर ट्रांजेक्शंस। तो उसके बाद उसके रिक्वायरमेंट को समझ करके जो है उसके रिक्वायरमेंट का एक थ्योरेटिकल पोर्शन तैयार करता है जिसको स्पेसिफिकेशन बोलते हैं, और उस थ्योरेटिकल जो है आउटलाइन को प्रोग्रामर्स यूज करता है। तो प्रोग्रामर्स क्यों यूज करता है, तो प्रोग्रामर्स डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट द एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो सिस्टम एनालिस्ट ने जो थ्योरेटिकल पोर्शन प्रोवाइड किया है जो एंड यूजर्स की जो रिक्वायरमेंट थी उसका जो है थ्योरेटिकल पोर्शन जो सिस्टम एनालिस्ट ने तैयार किया था, वो जो है थ्योरेटिकल पोर्शन या वो स्पेसिफिकेशन वो जो है ओरेकल के प्रोग्रामर को देता है, और ओरेकल प्रोग्रामर्स क्या करता है उस जो है थ्योरेटिकल पोर्शन को डिजाइन करता है, मतलब कोडिंग के थ्रू उसको डिजाइन करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, और इम्प्लीमेंट करके पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम तैयार कर देता है, और तैयार करने के बाद जिस डिपार्टमेंट के लिए वो एप्लीकेशन बना उस डिपार्टमेंट में उस एप्लीकेशन को उसके पीसी पर इंस्टॉल कर देता है। तो दे डिजाइन एंड क्रिएट डेटा एंट्री स्क्रीन्स, तो जो प्रोग्रामर्स है वो क्या करता है, डेटा एंट्री स्क्रीन को भी क्रिएट कर सकता है, डिजाइन कर सकता है। डेटा एंट्री स्क्रीन का मतलब कि कोई भी जो भी उनका काम है उस काम के रिगार्डिंग हर रोज इंफॉर्मेशन कुछ जो है जो कंप्यूटर पर सेव करने की जरूरत पड़ती होगी तो उसी को बोलते हैं डेटा एंट्री स्क्रीन्स। तो ऐसे डेटा एंट्री स्क्रीन्स को जो है ये प्रोग्रामर्स जो है डिजाइन करता है, रिपोर्ट्स को प्रोग्रामर कि कैसे कैसे रिपोर्ट बनेगा उसका एप्लीकेशन तैयार करता है, और प्रोसीजर्स भी वो तैयार करता है कि जिसमें सेट ऑफ रूल्स होते हैं, और उस रूल्स को उस प्रोसीजर को बिगनर जो होते हैं बिगनर डीबीए या बिगनर डेवलपर जो होते हैं उसको पढ़ करके अपने काम को बहुत इजीली कर पाते हैं। तो ये प्रोसीजर हम आगे के स्लाइड में भी देखेंगे। तो क्या करता है प्रोग्रामर, दे डिजाइन एंड क्रिएट डेटा एंट्री स्क्रीन्स, डेटा एंट्री स्क्रीन्स को डेवलप करता है वो, रिपोर्ट्स को भी डेवलप करता है, प्रोसीजर को भी डेवलप करता है, थ्रू विच जिसका यूज करके एंड यूजर क्या करता है डेटा को डेटाबेस से एक्सेस करता है और उसको मैन्यूपुलेट करता है, यानी कि इंसर्ट अपडेट डिलीट करके इंफॉर्मेशन को सेव करके रखता है। तो ये काम है सिस्टम एनालिस्ट का और प्रोग्रामर का। तो आप जो प्रोग्रामर बनेंगे डेटाबेस प्रोग्रामर या फिर ओरेकल प्रोग्रामर, तो आपका काम यही होगा कि सिस्टम एनालिस्ट जो है आपके पास यूजर एंड यूजर्स के रिक्वायरमेंट का पूरा एक स्पेसिफिकेशन तैयार करके आपको दे देगा, और एज ए प्रोग्रामर आप उस स्पेसिफिकेशन का आप उस थ्योरेटिकल पोर्शन का यूज करके आप पूरा का पूरा एक प्रोग्राम तैयार करेंगे। तो अब देखते हैं जो है एंड यूजर्स। तो एंड यूजर्स जैसा कि मैं पिछले एक दो स्लाइड्स में आपको बताता आ रहा हूँ कि एंड यूजर्स कौन होते हैं, तो दे आर द पीपल हु यूज द एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो एंड यूजर्स कौन होते हैं, एंड यूजर्स वो होते हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज करते हैं और टू रन दी ऑर्गेनाइजेशंस डेली ऑपरेशंस, और ऑर्गेनाइजेशंस की जो है डेली ऑपरेशंस जैसे कि सेल्स क्लर्क सुपरवाइजर्स मैनेजर्स डायरेक्टर्स इन सबको एंड यूजर्स बोलते हैं, और ये एंड यूजर्स यानी कि सेल्स क्लर्क सुपरवाइजर्स मैनेजर्स डायरेक्टर्स ये क्या करते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज करके अपना डेली ऑपरेशन वाला वर्क रेगुलर परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे सेल्स क्लर्क सुपरवाइजर्स मैनेजर्स और डायरेक्टर्स को हम एंड यूजर्स बोलते हैं। तो दे इंटरेक्ट विद द डेटाबेस सिस्टम एंड यूज डेटाबेस, तो वो क्या करता है
एंड यूजर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज करके डेटाबेस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, मतलब डेटाबेस सर्वर के साथ इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्ट करके डेटाबेस से अपने काम की डेटा को या इंफॉर्मेशन को फेच करता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसर्ट डिलीट अपडेट डेटा इन द डेटाबेस। तो एंड यूजर्स का काम क्या होता है कि जो भी उनके कंपनी में जो भी टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं, जो भी मिशन कंप्लीट किए जा रहे हैं, जो भी प्रॉफिट गेन किए जा रहे हैं, तो उन सब के रिगार्डिंग जो भी अपडेट है वो डेटा के फॉर्म में क्या करता है, वो डेटा को इंसर्ट करता है, कुछ डेटा को वो डिलीट भी कर सकता है, अपडेट करता है डेटाबेस के अंदर। तो दे गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो वे जो है वो जो है उनको जब भी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है तो डेटाबेस के सर्वर से वो अपने इंफॉर्मेशन को फेच कर लेते हैं। तो अब देखते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है। तो प्रोसीजर जो होता है वो एक पीडीएफ के फॉर्म में डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बहुत सारे जो है इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, बहुत सारे रूल्स लिखे होते हैं कि आपको DBMS में लॉगिन कैसे करना है और आपको जो है DBMS की जो फैसिलिटी है या एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है, और DBMS को स्टार्ट कैसे करना है, स्टॉप कैसे करना है, डेटाबेस का बैकअप कैसे लेना है, अगर कोई सॉफ्टवेयर फेल हो जाए तो उस सॉफ्टवेयर की रिकवरी कैसे करना है। तो ऐसे जो है प्रॉब्लम्स का सारा सॉल्यूशन जो है वो PDF के फॉर्म में डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ होता है, तो उसी को प्रोसीजर बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर रेफर्स टू द इंस्ट्रक्शंस एंड रूल। तो प्रोसीजर में क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, रूल्स होते हैं दैट गवर्न द डिज़ाइन एंड यूज ऑफ द डेटाबेस। जब डेटाबेस को यूज करते हैं, जब डेटाबेस की डिज़ाइनिंग होती है, तो उस समय प्रोसीजर के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं और उसके जो रूल्स होते हैं वो सारे फॉलो करने पड़ते हैं। तो द यूजर्स ऑफ द सिस्टम एंड द स्टाफ दैट मैनेज द डेटाबेस रिक्वायर डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स ऑन हाउ टू यूज और रन द सिस्टम। तो डेटाबेस के एनवायरमेंट में डेटा को यूज करने वाले जो यूजर्स होते हैं या फिर वो स्टाफ जो डेटा बेस को मैनेज कर रहा है, तो ऐसे यूजर्स और ऐसे स्टाफ को डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर की ज़रूरत होती है ताकि वो ये समझ सके कि सिस्टम को रन कैसे करना है, सिस्टम को यूज़ कैसे करना है। हालांकि उनको पहले से पूरी नॉलेज होती है, बट नए नए जो आते हैं DBA डेवलपर, तो उनको कुछ रूल्स कुछ इंस्ट्रक्शंस जानने होते हैं और उनको जो है कुछ चीज़ें डेटाबेस में समझ में नहीं आती है, तो वो ऐसे मैनुअल इंस्ट्रक्शन मतलब प्रोसीजर को यूज़ करके अपने काम को समझ सकते हैं। तो जो है इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से होते हैं प्रोसीजर में या रूल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लॉग ऑन टू द DBMS के DBMS में आपको लॉगिन कैसे करना है, उसके बाद DBMS की फैसिलिटी या फिर उसके एप्लीकेशन प्रोग्राम को कैसे यूज़ करना है, DBMS को स्टार्ट कैसे करना है, DBMS को स्टॉप कैसे करना है, डेटाबेस की जो है बैकअप कॉपीज कैसे तैयार करनी है, अगर सॉफ्टवेयर फेलियर हो जाए, हार्डवेयर फेलियर हो जाए तो उसको हैंडल कैसे करना है। उसके बाद प्रोसीजर में ही हमें पता चलता है कि कोई कंपोनेंट फेल हो गया है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके बाद फेल्ड कंपोनेंट को फिक्स कैसे करेंगे, उसको रिपेयर कैसे करेंगे और इस तरीके से डेटाबेस की रिकवरी कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रोसीजर में मिल जाता है, बट इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी ट्रेंड होकर के आप वहाँ पर जाते हो तो आपको ऑलरेडी बहुत कुछ पता होता है। बस नए एनवायरनमेंट में जब आप जाते हैं तो आपको बहुत चीज़ें पता नहीं होती है, तो इस प्रोसीजर को रीड करके समझ करके आप वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से पूरा एडजस्टेड हो जाएंगे। तो यही होता है प्रोसीजर, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो है नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है हमारे इस वीडियो का वो है डेटा।
तो डेटाबेस के एनवायरनमेंट में एज यू नो दैट कि डेटा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो ऑब्वियसली डेटा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, तो डेटा क्या होता है, एक रॉ मटेरियल होता है जिसको रिकॉर्ड करके स्टोर करके रखने की ज़रूरत होती है। जैसे किसी का एनरोलमेंट नंबर क्या है, एक डेटा है, किसी का नेम जो है वो भी एक डेटा है, और किसी का जो है एड्रेस है वो भी एक डेटा है। तो ये सारे डेटा होते हैं। तो जो वर्ड डेटा है उसका मतलब होता है कि डेटाबेस के अंदर जो है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स जो स्टोर होता है, तो वो सब जो है डेटा के अंतर्गत ही आते हैं। तो बिकॉज डेटा आर द रॉ मटेरियल फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड, क्योंकि डेटा जो है वो रॉ मटेरियल है और इसी डेटा या रॉ मटेरियल से पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जनरेट की जाती है। तो इंफॉर्मेशन जनरेट की जाती है तो ये डिटरमिन करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा डेटा डेटाबेस में एंटर होगा और कौन सा डेटा डेटाबेस में एंटर नहीं होगा। तो इस तरह का जो काम होता है कि कौन सा डेटा डेटाबेस में जाएगा या नहीं जाएगा, ये सारे काम, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सारा डेटाबेस डिज़ाइनर का काम होता है। वो सब डेटाबेस डिज़ाइनर ही जब डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन वगैरह करता है तो वो उसी समय जो है कॉन्स्टेंट्स वगैरह लगा करके जो है वो सब अप्लाई कर देता है कि कौन सा डेटा डेटाबेस में जाएगा, कौन सा डेटा डेटाबेस में नहीं जाएगा। तो हमारा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस का जो ये फोर्थ जो टॉपिक है, फोर्थ वीडियो जो है ये हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस के मैंने चार वीडियोस जो है आप लोगों को प्रोवाइड किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस का पूरा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा। और मैं अपने वीडियोस में केवल उन्हीं इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा हूँ जिनको समझ करके आप डीबीए डेवलपर और डेटाबेस प्रोग्रामिंग में आप अच्छा कर सकते हैं, आप उसमें जा सकते हैं। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और मुझसे जुड़े रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जो है मेरे वीडियो के रिगार्डिंग बीच बीच में नोटिफिकेशन आता रहे। तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।